मां काली पर विवाद खत्म नहीं हुआ और विवाद वाला नया पोस्टर सामने आ गया। इस बार शिव पार्वती को लेकर आपत्तिजनक तस्वीर आई है। इस बार भी लीना मलिने कलाई ने नए पोस्टर विवाद को हवा दी। एल्सवेयर लिखकर लीना ने जो ट्वीट किया, उसने शिव और पार्वती को वेश धरे एक महिला और एक पुरुष सिगरेट बीड़ी का कष्ट लगाते नजर आ रहे हैं। इस ट्वीट ने काली पोस्टर के विवाद की आंच में घी डालने का काम किया। लीना सिर्फ देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी नहीं कर रही, बल्कि लीना कथित तौर पर भावनाएं भड़काने के साथ ही असुरक्षा की चिंता भी जता रही है। ऐसा लगता है कि पूरा देश, जो अब सबसे बड़े लोकतंत्र के बजाय नफरत करने वाली मशीन बन गया है, मुझे सेंसर करना चाहता है। मैं इस समय कहीं भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रही हूँ। नए बयान के बाद लीना के खिलाफ गुस्सा सातवें आसमान पर है। भोपाल पुलिस ने लीना के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया, तो बीजेपी ने ट्विटर को चिट्ठी लिखकर विवादित ट्वीट और तस्वीरों को हटाने की मांग की। पश्चिम बंगाल में भी बीजेपी ने लीना के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। पार्टी महासचिव अग्निमित्रा पॉल ने लीना के एक नए ट्वीट को टैग कर लिखा, बंगाल में हमारे गांव में इसे बहुरूपी कहा जाता है, जो एक कला है। हम उनमें सच्चे देवी देवता को नहीं, कलाकारों को देखते हैं। क्या तुम सिर्फ अपनी फिल्म को प्रमोट करने के लिए हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हो? हमारे धैर्य का इम्तिहान मत लो, हमारी सहनशीलता को कमजोरी मत समझो। संत कालीचरण और राजू दास ने तो लीना के खिलाफ जुबानी जंग छेड़ दी। मां काली को लेकर महुआ के बयान पर सियासी जंग कहां तक पहुंची, देखिए फटाफट सिर्फ 90 सेकंड्स में। मां काली को लेकर महुआ मोइत्रा के बयान पर घमासान थम नहीं रहा। बीजेपी सड़कों पर है, दिल्ली से लेकर भोपाल तक और असम से लेकर यूपी तक विरोध प्रदर्शन जारी है। यहां तक कि ममता बनर्जी भी नसीहत के साथ सामने आई, भावनाओं का ख्याल रखने की बात की ग्रुप हमें जानी ना मे भी तारा एक समाज बड़ो सेक्शन रेस्पेक्ट करी किंतु भावते बोल वो। लेकिन महुआ मोइत्रा झुकने के लिए तैयार नहीं है। बीजेपी आक्रामक है, अपनी पार्टी टीएमसी भी दूरी बना चुकी है, लेकिन उन्हें फर्क नहीं पड़ रहा। मैं ऐसे भारत में नहीं रहना चाहती जहां बीजेपी के आदिम पितृसत्तात्मक ब्राह्मणवादी हिंदुत्व का राज हो और बाकी सब लोग धर्म के इर्द गिर्द चौकन्ने होकर खड़े रहें। मैं अपने विचारों के हक में मरते दम तक खड़ी रहूंगी। अपनी एफआईआर दर्ज करते रहो, इस देश की हर अदालत में तुम्हारा सामना करूंगी। महुआ डटी है तो बीजेपी भी अड़ी है। पार्टी ने गिरफ्तारी की मांग और तेज कर दी। নুপু শর্মাকে নিয়ে এরকম একটা মানে পুরো দেশ উথাল পাতাল হয়েছিল। আমি এখন ডিবেটে যাচ্ছি না উনি ঠিক বলেছেন নাকি ভুল বলেছেন, কিন্তু যেভাবে তারা চিৎকার করেছিল নুপু শর্মাকে গ্রেপ্তারির দাবিতে, তাহলে নিজের দলের লোকজন যদি এই ধরনের কথাবার্তা বলে তখনও তাদের গ্রেপ্তারি করার প্রয়োজন আছে, নাহলে মানুষ তাদেরকে সিরিয়াসলি নেবে না সত্য হিসাবে। विवाद सात समंदर पार बैठी लीना मणिने कलाई ने खड़ा किया और सियासी आग भारत में धधक रही है। पहाड़ से मैदान तक बारिश की तबाही है। गुजरात में हाल कितना बेहाल है, देखिए सिर्फ 90 सेकंड्स में। बारिश के मार से गुजरात के कई शहर त्राही त्राही कर रहे हैं। जामनगर में सैलाब आ गया। कालाबाड़ इलाके के पास एक स्कूल बस पानी में बह गई। उस समय बस में 9 बच्चे, 2 टीचर और ड्राइवर थे। हैरानी तो यह है कि ड्राइवर को पता था कि ये रास्ता बंद है, लेकिन फिर भी उसने सैलाब में बस डालकर बच्चों की जान जोखिम में डाल दी। गुजरात के राजकोट जिले में भी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर रखा है। जाम कंडोना तहसील में लगातार हो रही बारिश के चलते फोफल नदी पर बना पुल गिर पड़ा। द्वारका के कल्याणपुर में हो रही लगातार बारिश के कारण सड़कों पर पानी ऐसे बह रहा है जैसे कोई नदी हो। गुजरात के द्वारका, पोरबंदर, गिर सोमनाथ जिले में लगातार हो रही बारिश की वजह से बांध ओवरफ्लो हो रहे हैं। द्रोणेश्वर बांध में पानी क्षमता से ऊपर बह रहा है। यहां सरस्वती नदी के किनारे पर बने माधव राय जी के मंदिर में पानी भर गया, जिससे श्रद्धालु दर्शन करने नहीं आ पा रहे। गुजरात के कच्छ में गुंडियाली गांव में नदी में बाइक सवार फंस गया था। उसने सैलाब को चीर कर जाने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। बाद में बाइक सवार का रेस्क्यू कर लिया गया। अहमदाबाद से गोपी घांगर के साथ आज तक ब्यूरो।
पहाड़ों में नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ तक सड़क पर आ जाके पता चल रहे हैं, लेकिन बारिश में पहाड़ों पर तबाही। फटाफट 90 सेकंड में आपको दिखाते हैं। मैदान से लेकर पहाड़ तक बारिश और बाढ़ का कहर है। हिमाचल के कुल्लू में व्यास नदी में गिरी कार का आईटीबीपी के जवानों ने रेस्क्यू किया। कार में 3 लोग सवार थे, 2 लोग पानी का प्रकोप नहीं सह सके, लेकिन आईटीबीपी के जवानों ने एक शख्स को बचा लिया। एक दिन पहले मणिकर्ण घाटी के चोस गांव में बादल फटने की वजह से आई बाढ़ में अब भी 4 लोग लापता हैं। उत्तराखंड में भी कई शहरों में मौसम की मार देखी जा रही है। उत्तरकाशी में बारिश के बाद तबाही नजर आ रही है। बारिश के साथ दरकते पहाड़ों के मलबे जहां तहां बिखरे पड़े हैं, सड़क तक पता नहीं चल रही। सड़क थी वो अब मलबे में तब्दील हो चुकी है। कई गांवों का संपर्क उत्तरकाशी से कट गया है। उत्तरकाशी के मोरी बाजार में तो बरसाती नाले फिर से जिंदा हो गए। गरजते नाले इस कदर शोर मचाते बह रहे हैं मानो सब कुछ निकल जाएंगे। भारी बारिश से पहाड़ों से चट्टाने सड़कों पर जमा हो रहे हैं। केदारनाथ और बद्रीनाथ हाईवे पर कई जगहों पर लैंडस्लाइड हुए हैं। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले में भी बरसाती नाले उफान पर हैं। यहां पहाड़ी नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भारी बारिश की चेतावनी जारी की। उत्तरकाशी से ओमकार बहुगुणा और बागेश्वर से जगदीश पांडे के साथ मनमिंदर अरोड़ा, कुल्लू आज तक। खेल के मैदान पर भी तूफान आया। ये तूफान था हार्दिक पांड्या का। फिर इंग्लैंड का क्या हाल हुआ, देखिए फटाफट 7 सेकंड में। इंग्लैंड के खिलाफ पहले टी20 मुकाबले में टीम इंडिया ने जबरदस्त जीत दर्ज की। भारत ने इंग्लैंड को 50 रन से हरा दिया। भारत की जीत के हीरो हार्दिक पांड्या रहे, जिन्होंने बैट और बॉल दोनों से कमाल दिखाया। पांड्या ने ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करते हुए पहले सिर्फ 33 गेंदों में 51 रन जड़ डाले और फिर गेंदबाजी करने आए तो 4 बल्लेबाजों को चलता किया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए भारत ने 8 विकेट खोकर 198 रन बनाए। कप्तान रोहित शर्मा ने वापसी करते हुए 14 गेंदों पर तेज 24 रन बनाए। दीपक हुड्डा, सूर्य कुमार यादव ने 33 और 39 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली, लेकिन असली जलवा हार्दिक ने 51 रनों की पारी से दिखाया। 199 रनों के लक्ष्य के जवाब में इंग्लैंड की टीम शुरू से ही बिखर गई। टीम 20 में डेब्यू करने वाले अर्शदीप और भुवनेश्वर कुमार ने कमाल की शुरुआत की। दोनों ने न सिर्फ रनों पर ब्रेक लगाया बल्कि विकेटें भी झटकी। अर्शदीप ने पहले ही मैच में सिर्फ 18 रन देकर 2 विकेट लिए। और अब देखिए फटाफट कुछ और खबरें। यूपी के लखीमपुर खीरी में तेंदुए ने पालतू कुत्ते को मारकर पेड़ पर टांग दिया। तेंदुआ दुधवा टाइगर रिजर्व जंगल से भटककर फार्म हाउस में पहुंच गया। तेंदुए को देख फार्म हाउस की रखवाली कर रहा कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगा, लेकिन कुछ ही देर में कुत्ते की आवाज आनी बंद हो गई। जब फार्म हाउस के मालिक ने अपने कुत्ते को ढूंढा तो कुछ पता नहीं चला। बाद में वो पेड़ पर टंगा मिला। सीसीटीवी में तेंदुआ भी दिखा। इंदौर में बदमाशों ने सरेआम चाकूबाजी की। देर रात 4 से 5 बदमाशों ने रास्ते चलने वाले लोगों से मारपीट की और फिर चाकू मारकर फरार हो गए। सब कुछ इस तरह से हुआ मानो ना तो पुलिस का खौफ है और ना ही कानून का डर। पुलिस ने सीसीटीवी वीडियो खंगाल कर अज्ञात लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही बदमाश कानून के गिरफ्त में होंगे।